प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और दलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, मान पिता ईश्वर की दाहिनी और विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में कि आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें और सब संतों के लिए आप लोग विनती करें। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 18 में बाइबल हमें बताती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह में आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। इस वक्त हम करुणामाला विनती दोहराने जा रहे हैं। प्रभु, अपनी दया की किरणें हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर और पूरे देश और पूरे संसार पर प्रकट करें। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है, वो हमारे असंख्य पापों और कमजोरियों को क्षमा करें। इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। प्रायश्चित करते हुए हम इस विनती को बोलें, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है,
हम पर और सारे संसार पर दया कर। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो, मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी में मुझको क्षमा करो, पापियों में महापापी में मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। दूसरा भेद हम समर्पित करेंगे कि प्रभु हमारे पापों को हमारे गुनाहों को माफ करें। बाइबल हमें बताती है रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा विनती करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें दे दिया जाएगा, वह तुम्हें मिल जाएगा। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ दीनहीन पश्चातापी हृदय से हम अपने गुनाहों के लिए, गलतियों कमजोरियों के लिए, अपनी सोच विचार के लिए प्रायश्चित करें, अपने माता पिता के लिए, उनके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के पापों के लिए प्रायश्चित करें और कहें, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। सृष्टि करता को मैंने त्याग दिया, सृष्टि करता को मैंने त्याग दिया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया, पापी का जीवन जिया, पापी का जीवन जिया,
करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन, मेरे यीशु, मेरे यीशु क्रिसा, मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। तीसरा भेद हम समर्पित करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, देश की जनता के लिए, सभी लोक धर्मियों के लिए। प्रभु इन तमाम लोगों पर दया करें। प्रभु का वचन हमें बताता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 4 पद संख्या 1-2 में कि ईश्वर मेरे रक्षक, तू मेरी पुकार का उत्तर दे और मुझे सदा संकट से बचा के रखने की कृपा कर। इस वक्त हम विशेष रूप से सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, शासकों प्रशासकों को प्रभु क्षमा करे और उन पर दया करे। आपका जवाब होगा, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर, मेरे मेरे ईश्वर।
ईश्वर मेरे नाम दया करना दया करना दया करना चौथा भेद हम समर्पित करते हैं सभी बीमारों के लिए सभी रोगियों के लिए जो इस वक्त बुजुर्ग हैं हमारे घरों में जो बीमार हैं रोगशैया पर हैं अस्पतालों में हैं आईसीयू में हैं लकवे से पीड़ित हैं हृदय के रोगी हैं स्किन के इन्फेक्शन से गुर्दों के इन्फेक्शन से लिवर के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं प्रभु दया कीजिए आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं वैद्यों के वैद्य राजाओं के राजा हैं हे प्रभु याद कीजिए आपके पास जो कोई भी आया आपने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया आपने अंधों को आँखें दी बहरों को कान दिए गूंगों को वाणी दी लंगड़ों को पांव दिए अर्धांग रोगियों को चंगा किया कोढ़ियों को शुद्ध किया एक वचन कह दे और तेरे ये बेटे और बेटियाँ जो रोगशैया पर हैं प्रभु ये लोग भी चंगे हो जाएंगे हम सब चंगे हो जाएंगे हे प्रभु दया कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों स्तोत्रकार अध्याय 41 पद संख्या 4 से 5 में लिखता है कि प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है क्योंकि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जो टूटे हुए हैं वह उन्हें ढारस देता है जो घायल हैं उनके घावों पर पट्टी बांधता है आइए हम प्रार्थना करें प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए और कहें सभी रोगियों को और पीड़ितों को चंगा कर सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर पापी हैं हम अज्ञानी हैं पापी हैं हम ज्ञानी है पापी हैं हम अज्ञानी हैं पापी हैं हम अज्ञानी हैं दया करना मेरे Oh,
पांचवा भेद हम समर्पित करेंगे सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए, अभिषिक्तों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए और सभी लोक धर्मियों के लिए। प्रभु के जितने भी लोग हैं, विश्वासी हैं, प्रभु उन तमाम लोगों पर दया कर और उन्हें शांति और चंगाई प्रदान कर। प्रभु का वचन ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। कहता है ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा और तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अब नहीं समझते हो। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग उठना टेकें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, प्रायश्चित करते हुए सभी पुरोहितों को समर्पित करें, एक एक पुरोहित के लिए, एक एक याजक के लिए, अभिषिक्त व्यक्ति के लिए जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, तो प्रभु उन्हें क्षमा कर, उन्हें पवित्रता का वरदान दे, लोक धर्मियों को, विश्वासियों को विश्वास में वरदान दे और पवित्रता में बढ़ने का वरदान दे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप और अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर, आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को
शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग-अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का सर्वोच्च तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार के स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो अब हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। प्रियजनों, ये आशीष ग्रहण करने का समय है, अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करें।
सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तूने अपने दासों की वाणी को सुना और उसे सच प्रमाणित किया। उनके द्वारा तूने अनेक चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आज मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए तेरी इस प्रजा के लिए निवेदन करता हूँ, इन पर दया कर। तेरी दया और प्रेम की किरणें इनके परिवारों में, इनके रोगियों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में सदा छाई रहे। हे शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। तू इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे और इनके परिवारों, इनके खेत खलियानों, इनके बच्चों पर अपनी दया प्रकट करने की कृपा कर। हे प्रभु, हम तेरी छत्र छाया में सदा बने रहें। हमारे चौकटों बिछौनों को यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से प्रभु बल मसा कर दे। बद्रूहों के लश्करों से, बुराई की दुष्ट आत्मा से हमें आजाद करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। बड़ी भक्ति के साथ, पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। आदर के साथ, पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया,
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। वचन की घोषणा होगी, चंगाई एवं छुटकारे की प्रार्थना होगी। तब तक के लिए आप प्रभु की आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।